आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीयू सिंह यूपी में। आज मैं बना रही हूँ आलू की सब्जी और भी सरसों के मसाले में। अब मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसे बना रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने छोटे छोटे आलू कट कर लिया है और उसको तेल डाल करके उसको मैं भून रही हूँ। लगभग भुना गया है, बस इसको तो मेरे आलू पूरी अब भून चुके, इसको मैं निकालने वाली हूँ। अब ये देखिए मसाला ये तैयार करके रखा है, सरसों का मसाला। इसमें टमाटर है, लहसुन है, जीरा है, मरीच है और काली मिर्च और सरसों, ये मैंने बना कर रखा है। इसमें हल्का सा मैंने मसाला ऐड कर दिया है, मतलब सरसों का पीस के जो रखा था अलग से, जो गरम मसाला को, तो उसमें मैंने हल्का सा ऐड कर दिया है। देखिए इसमें मैंने पेस्ट में टमाटर भी ऐड कर दिया, सब सारा मसाला मैंने मिक्सर मिक्सर डालकर उसको मैंने पेस्ट बना दिया है। और मैं देखिए दोस्तों, मैंने इसमें तेल डाला है कढ़ाई में, आलू मेरा भून के निकल गया। अब इसमें डाली मैं इसमें पंचफोरन, सरसों के मसाला में पंचफोरन ही इसका मेन मसाला होता है, इसको पंचफोरन डालना बहुत जरूरी होता है। और इसके बाद ये है तेज पत्ता, लाल मिर्चा, तो फोरन मैंने दे दिया है। ये है मेरा सारा मसाला, इसमें मैंने सरसों, लहसुन, जीरा, मरीच, टमाटर, इसका सबको मैंने मिक्सर में पीस करके इसका मैंने घोल तैयार कर लिया है। आपको नहीं डालना है ना, ऊपर डालना। देखिए डालते ही एकदम चारों तरफ की खुशबू आ गई। इसमें मैं अब डालूंगी हल्दी एक चम्मच, अब इसमें नमक, नमक अपने स्वाद अनुसार, कोई तेज खाता है कोई कम खाता है, हमारे यहाँ बहुत हिसाब से सब लोग खाते हैं। देखिए दोस्तों, ये मैंने पेस्ट बना के रखा है, आम मतलब आम का है ये खटाई। अभी जब मसाला भुन जाएगा, आलू उलू भुनने के बाद, इसमें जब मसाला भुनने के बाद जब आलू अच्छे से मेरा भुन जाएगा, देखिए ये आम का पूरा मैंने ये पेस्ट बना के रखा है खटाई के लिए। और ये मेरा मसाला पूरा देख रहा है कि अच्छे से भून रहा है, ऊपर तेल छोड़ने लगा इसका, यही और मैं इसको अच्छे से भूनूंगी। पहले अच्छे से भून जाएगा, फिर इसमें मैं आलू ऐड करूंगी। देखिए दोस्तों, ये मसाला पूरा भून करके आप लोग देख सकते हैं कि सारा तेल इसके ऊपर आ गया। देखिए ये मेरा मसाला तैयार, इसमें मैं ये आलू जो भून के रखी थी इसमें ऐड कर दूंगी। आलू भूनते समय आधा पक गया था, अब इसके साथ भी भूनेंगे। भूनते भूनते आलू इसमें पक गया, और इसको चावल के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, पराठा के साथ खाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब इसको ढकूंगी मैं कटोरे में।
देखिए दोस्तों, ये पूरा मसाला एकदम अच्छे से भुन गया देखे कि, और मसाला भुनने के साथ साथ मेरा आलू भी ये पूरा अच्छे से पक गया है। अभी और उसको पकाऊंगी। इस पे ये देखिए, अब ये जो मैंने आम का अचार था उसका पेस्ट बना, आमचूर पाउडर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ दिन पहले मैंने कुचला बनाया था, बोले कि इससे अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, सरसों के मसाले में खटाई डालना बहुत ज़रूरी होता है, तो ये मैं डाल देती हूँ। ये पूरा मछली का मसाला मैंने पापा को पसंद आएगा, मेरे पापा को बहुत पसंद है ये सब्जी, इसलिए सब्जी बना रहे हैं, तो खुशबू ही अलग है। देखिए दोस्तों, मैंने खटाई ऐड कर दिया, अब मैं इसमें ऐड करूंगी पानी। बस पानी ले लें, बस मैंने ये पानी ऐड कर दिया, इसको मैं अब ढक दूंगी। ढकने के तो इसको 5 मिनट तक और अच्छे से, 5 मिनट तक और इसको। देखिए दोस्तों, हमारी सब्जी बनके हो गई तैयार, अब इसको आप लोग खाइए चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ। चलिए, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।